वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे टू डाइस और थ्रोन वाले जो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है वो आज पूरा डिटेल वीडियो हम देखने वाले हैं कि 13 क्वेश्चंस हैं जो हम सारे के सारे कवर करेंगे। सो प्लीज़ बी पेशेंट विद मी क्योंकि ये डिटेल में हम समझाएंगे और आखिर के जो दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लाइक डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार उसको समझना। तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपका बेस बनता चला जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके जितने भी हैं आरडी शर्मा उठा लो या कोई भी बुक उठा लो, चाहे एनसीईआरटी की बुक उठा लो या आईसीएसई की बुक उठा लो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं सैम्पल स्पेस इसका कैसे बनता है। तो अगर डाइस अगर हम एक थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको पता है कि सैम्पल स्पेस 6 तक हो जाएगा तो सैम्पल स्पेस हो गया टोटल 6 आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। बट जब वो दो बार डाइस थ्रो करा जाता है तो प्रोबेबिलिटी का सैम्पल स्पेस का जो फॉर्मूला हो जाता है 6 पावर 2 36 टोटल आउटकम्स बनेंगे। लेकिन क्या क्या बनेंगे वो हमें देखना है यहाँ पर। तो अगर पहले डाइस में 1 आया तो दूसरे डाइस में 1 आ सकता है पहला आउटकम, पहले डाइस में 1 दूसरे डाइस में 2 आ सकता है। तो इस तरीके से आप बनाते रहेंगे तो मैं आपको जल्दी से बना कर दिखा देता हूँ टाइम इस करते हुए। सो आफ्टर यू राइट सैंपल स्पेस फॉर टू डाइस तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो 6 हो गए यहाँ पर, 6 हो गए यहाँ पर, तो 6 × 6 36 टोटल इसके आउटकम्स होंगे। तो आइए चलते क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट। सो 6 किस किस तरीके से प्रोडक्ट हो सकता है, 1 × 6 हो सकता है या 2 × 3 हो सकता है या 6 × 1 भी हो सकता है। तो मतलब कॉम्बिनेशन 1 और 6 का ही रहेगा। तो आपको ऐसा पेयर देखना है जहाँ 1 और 6 आए, 2 और 3 आए। तो ऐसे पेयर देख लेते हैं, 1 और 6 कहाँ पर है, ये रहा, और कहाँ पर 6 और 1, ये रहा, 2 3 ये रहा एंड 3 2 ये रहा। तो 1 2 3 4 तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36। आप इसको रिड्यूस कर देंगे 1/9 आ जाएगा इसका आंसर पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट है गेटिंग अ सम ऑफ एट। तो सम का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं, सिर्फ 8 की जरूरत नहीं है। तो 1+1 यहाँ पर हो गया 2, अगर 2+1 देखेंगे 3। तो अगर हम इसको डायगोनली देखेंगे 3 आएगा, 2+1 1+2। आप इस तरीके से डायगोनली यहाँ देखें तो इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा, ये है 5, ये वाला पैटर्न आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 7। 6+1 7 8 9 और 10, यह है 11 और यह है 12। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सम मिनिमम सम जो है वो 2 हो सकता है और मैक्सिमम सम जो है 12 हो सकता है। तो मिलते जुलते क्वेश्चन भी याद रखते हैं, गेटिंग अ सम ऑफ 13 तो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। तो गेटिंग अ सम ऑफ 13 0 हो गया, गेटिंग अ सम मोर देन 12 वो भी 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इन 2 और 12 के बीच में आ सकता है। अब देख लेते हैं 8 का, ये रहा 8। तो 1 यहाँ से डायगोनली देखें, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमें चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 5/36।
5 upon 36. तो इस तरीके से आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, गेटिंग अ सम ऑफ 11. तो ये दो आ गए, तो 2 अपॉन 36. गेटिंग अ सम ऑफ 4, 1, 2, 3 अपॉन 36. तो इतना आसान है गेटिंग अ सम. अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 3. गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 3, ये सारे के सारे चाहिए, 3 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. देखो इतने सारे टोटल करने पे जाने की जगह पे हम उल्टा चल देते हैं, हम यहाँ से आ सकते हैं इस तरह, उसमें मतलब ग्रेटर देन 3 तो ये सारे चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं चाहिए, इनको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 3 नहीं चाहिए, तो 36 माइनस 3 33 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 33 अपॉन 36. तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि एंड में मांगेगा. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. गेटिंग अ सम लेस देन 10, तो लेस देन 10 मांग रहा है, ये सारे के सारे हैं, तो आप इसके बाद वाले निकालें. तो अगेन यहाँ पे इसके बाद वाले जो हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे, तो ये माइनस करेंगे 33 अपॉन 36, उसका आंसर रिड्यूस करना मत भूलें, तो आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 12. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेटिंग अ डबलेट. डबलेट का मतलब होता है गेटिंग सेम नंबर ऑन द सेम ऑन बोथ द डाइस. तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, तो ऐसे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 6 अपॉन 36. तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इससे मिलता जुलता है, गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर. गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, तो 2, 2, 4, 4, 6, 6, तो आंसर हो गया 3 अपॉन 36. तो आप चेंज कर लेना है इसको, या ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर भी 3 अपॉन 36 होगा. सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. गेटिंग सम डिविजिबल बाय 5. गेटिंग सम डिविजिबल बाय 5, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने जो 5 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर हो गए 5 हो गया जो 5 से डिविजिबल होता है, 10 हो गया, 15 हो गया, तो ऐसे सम ढूंढने. तो 5 के लिए तो ढूंढ सकते हैं, 10 के लिए भी ढूंढ सकते हैं, 15 के लिए नहीं ढूंढ सकते, मतलब इसके आगे हमें नहीं ढूंढना, तो 5 और 10 ही पूछ रहा है वो इनडायरेक्टली. तो 5 के लिए कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, और 10 के लिए कौन से हैं, 1, 2, 3, तो 4 प्लस 3, 7, सो प्रोबेबिलिटी होगी 7 अपॉन 36. नाइन्थ पार्ट है गेटिंग अ सम विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हो गए, अगेन चाहे हम डिविजिबल बाय 3 बोले या मल्टीपल बाय 3 बोले, सेंस ऑलमोस्ट सेम ही है. तो मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, इसके आगे नहीं देना क्योंकि सम उससे ज़्यादा है ही नहीं. तो 3 के कौन से हैं, ये 2. 6 के कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5. 9 के 1, 2, 3, 4, 12 का 1, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 10, 11, 12, सो आंसर हो गया 12 अपॉन 36. आप इसको रिड्यूस जरूर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है 3 की तरह. गेटिंग एन इवन नंबर. इवन नंबर का मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो उसके लिए भी आप सेम तरीके से कर लेंगे, आप खुद करके देखें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेटिंग प्राइम नंबर एज अ सम. तो प्राइम नंबर का मतलब समझा देंगे, बाकी आप खुद कर सकते हैं. जस्ट लाइक 3, प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 5, 7, 11.
रैंडम में वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, तो 2 का देखें 8 बार आ रहा है, 3 का 2, 5 का 1, 2, 3, 4, 7 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 का 2, इन सबको आप प्लस कर दो, यू गेट 10, 14, 15, तो आंसर हो गया 15/36। अब हमारे रह गए हैं लास्ट के दो क्वेश्चंस, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेटिंग 5 ऑन ईदर ऑफ द डाई, गेटिंग 5 ऑन ईदर ऑफ द डाई, चाहे वो फर्स्ट डाइज में 5 आ जाए चाहे सेकंड डाइज में 5 आ जाए। तो फर्स्ट डाइज में अगर 5 आ जाए तो ये वाली लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सेकेंड डाइज में 5 आ जाए तो वो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक रहती है बच्चों की, तो 6 यहाँ से गिनते हैं, 6 वहाँ से गिनते हैं, टोटल हो गया 12। तो 12 पॉसिबल आउटकम, 12/36 आंसर डन। बट एक कॉमन है ये वाला जो नंबर है वो कॉमन है, आप यहाँ पे भी काउंट कर रहे हो और यहाँ पे भी काउंट कर रहे हो, तो इस वाले को आपको एक ही बार काउंट करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। तो ये 5 के लिए एग्जांपल दिया है, जिसकी जगह पे 3 आ जाए 2 आ जाए सेम चीज़ होगी। आइए चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड 3 ऑन अनदर, तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ने बोला होता गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड 3 ऑन द सेकेंड, तो ये क्वेश्चन डिफरेंटली अप्रोच करा जाता, और यहाँ पे अभी उन्होंने बोल दिया है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, वो कोई भी डाई हो सकता है। तो सपोज हम यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट डाई है और ये सेकेंड डाई है, तो पहली कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई देखते हैं, तो 2, 4, 6, 8 आएगा, नहीं आएगा बिकॉज डाइस में 6 से ज़्यादा आउटकम हो नहीं सकते, तो ये तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, सेकेंड केस पर भी हो सकते हैं। अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे दूसरे केस में क्या बनेगा, 3 और 6 मल्टीपल ऑफ, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो यहाँ रहेगा, इनके साथ पेयर बनेगा या इसके साथ पेयर बनेगा। अब 3 और 6 पहले में भी आ सकता है, 3 और 6 पहले में भी आ सकता है, अगर 3 और 6 पहले में आ गया तो दूसरे में क्या बनेगा, 3 का पेयर। तो ये देख लेते हैं इसका कैसे पेयर बन रहा है। तो अगर पहले में 2 आएगा तो 2 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, तो 2, 3 या 2, 6 ये दो। अगर 4 के साथ गया तो सेम चीज 4, 3 एंड 4, 6, 6 के साथ 6, 3 एंड 6, 6, क्लियर। तो ये तो हो गया 2, 4, 6, जब हमने 2, 4 और 6 को फर्स्ट डाई में लिया, फर्स्ट डाई, और अब मैं दे देता हूँ 3 और 6 को फर्स्ट डाई में, तो 3 अगर से फर्स्ट डाई में आया तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 3, 6 आ सकता है, और इसी तरीके से अगर हम 6 दे लेते हैं, 6, 2 आ सकता है, 6, 4 और 6, 6 ध्यान दें 6, 6 पहले आ चुका है, तो जो पहले आ चुका है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डाइस टू थ्रो ऑफ अ डाइस के ऊपर बने हैं, तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इससे आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर कोई डाउट अभी भी रह गया हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको
डालें, पूरी कोशिश करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।